अभी आपने जो कहा कि भारत ये अंग्रेज कहा करते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है नेशन नहीं है एक समूह है लोगों का या राज्य राज्य में नहीं थे अलग अलग समुदायों का तो ये मैं आप जिस पद पर है उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए पूरी तरीके से मैं नहीं चाहता कि आप किसी इंडिविजुअल पर रिएक्ट करें लेकिन मैं बयान आपके सामने रखूंगा हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस वक्त के युवा नेता जो हो सकता है उनके अध्यक्ष बन जाए राहुल गांधी जी वो एक बार नहीं कई मरतबा यही बात दोहरा चुके हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन ऑफ नॉट नेशन वो बार-बार इस बात पर मैं, दे रहे मैं बिल्कुल उनके बारे में कमेंट नहीं कर सकता करना चाहता लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी आदमी जो आज ये, ये कहे कि भारत राष्ट्र नहीं है उसे कांग्रेस के इतिहास से भी वो परिचित नहीं इसलिए कि जब मुस्लिम लीग ये कह रही थी अंग्रेजों के, के, का दिया हुआ सबक दोहरा रही थी कि हम कौम नहीं है कौमों का मजमुआ है राष्ट्र नहीं है बल्कि विभिन्न राष्ट्र एक जगह हैं तो कांग्रेस कह रही थी नहीं हमारी धार्मिक आस्थाएं अलग हो सकती हैं हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं हमारे सांस्कृतिक मूल्य अलग हो सकते हैं लेकिन हम एक राष्ट्र हैं और भारत आज से नहीं भारत को राष्ट्र इस कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया है ये तो सिर्फ पिछहत्तर साल पुराना है भारत में का जो जो सांस्कृतिक सफर है सिविलाइजेशनल जर्नी वो शुरुआत होती है ऋग्वेद से एकम सद विप्रा बहुदा वदंती सच्चाई एक है हक एक है उसको जानने वाले अलग अलग तरीके से बयान करते हैं अथर्वा वेद में आता है जन्म विभ्रति बहुदा विवाचसम दाना धर्मानम पृथ्वी सूक् में जिसमें पृथ्वी माता को इन्वोक किया जा रहा है आ, के और क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है जिस तरह अलग अलग जुबान बोलने वाले अलग अलग तरीके से इबादत करने वाले अलग अकीदे रखने वाले आ ये पृथ्वी सबको एक परिवार की तरह अपनी बाहों में ले लेती है हम आप हम इस पृथ्वी को इन्वोक कर रहे हैं कि वो उस उस गाय धेनु गाय की तरह सहस्रम धारा धेनु रना इस पुफ, इस फुरंती कि जैसे धेनु गाय अपना अपना दूध सबको देती है हे पृथ्वी माँ हम सबको धन धान्य से पूर्ण कर तो वेदिक काल में अब वेदिक काल अगर चार हजार साल पहले भी है पांच हजार साल मानते हैं तो एक बात तो एडमिटेड है कि उस वक्त यहूदी भी नहीं थे उस वक्त ईसाई भी नहीं थे उस वक्त मुसलमान भी नहीं थे इस्लाम की उम्र पंद्रह सौ साल से कम है जी उस वक्त वेद बात कर रहे हैं नाना धर्मानाम बहुधा विवाह चम अलग अलग भाषाएं और अलग अलग धर्म तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ जो आज भी नजर आता है किसी घर में देख लीजिए दो भाई हैं एक हनुमान जी के मंदिर जाता है एक शिव जी के मंदिर जाता है आप दोनों हैं आपस में दो बहने एक सैटरडे को व्रत रखती है एक फ्राइडे को रखती है इनमें लड़ाई होनी चाहिए या अलग हो जानी नहीं हम दुनिया में लफ्ज इस डेढ़ सौ साल में पीछे सेकुलरिज्म ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में था नहीं था कब कॉइन हुआ मुश्किल से सौ साल पहले डेढ़ सौ बांध लीजिए डायवर्सिटी जब आनी शुरू हुई भारत में इसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है बहुदा और बहुदा बाकी जगह कहा गया डायवर्सिटी को टॉलरेट करने के लिए और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब कोई टॉलरेंस की बात करता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो कर रहा है आप कौन है मुझे टॉलरेट किया जाता है बच्चे की शरारतों को मेरा अधिकार है मैं जो चाहे उसमें विश्वास करूं और जिस तरीके से चाहूं उसको अभिव्यक्त करूं आप कौन है मुझे टॉलरेट करने वाले तो वो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बिलास क्यों क्योंकि भारत की परंपराएं स्वीकार्यता की परंपराएं हैं आदर की परंपराएं हैं सम्मान की परंपराएं हैं और हम ये मानते हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कहा पार्लियमेंट ऑफ रिलीजन में रुचि नाम वैचित निर्णा को गमयसी पैसा मरना हे प्रभु जिस तरह विभिन्न नदी नाले चश्मे अपने अपने सिरोतों से निकलकर आखिर में जाकर सागर में मिल जाते हैं हे प्रभु हम इंसान हकीम में आयत है कुल आया था इंसान वो करता है जिस फितरत पे कुदरत ने उसे पैदा किया है तो कहते हैं हम अपनी प्रकृति के अनुसार सीधे टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते हुए आखिरकार तुझी में मिल जाते हैं जैसे जैसे पानी सागर में मिल जाता है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर